एनालिटिक फंक्शन यहाँ से दिया है, यहाँ तक फिर ये थ्योरम दे रहे हैं आपसे। इक्वेशन ये दे रखी है इसकी, हेलो स्टूडेंट, अगर आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको रिवर्स करके बता दूंगी, उस इक्वेशन को अच्छे से फिर से समझा दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और नए टॉपिक आपको ला सकूं। ये कॉम्प्लेक्स आ गया, यहाँ से इधर तक है इसका कॉम्प्लेक्स का। फिर आगे आप और स्टडी करना चाहें, कितना भी डिटेल में पढ़ना चाहें, तो ये पूरा है यहाँ से यहाँ। इसका ये ग्राफ जाएगा इस तरह से, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू।